ठीक है, इमेज व्यू टू ले लिया, इसका कैमरा जो है इसमें ऑन क्लिक के ऊपर कौन सा मेथड कॉल करवा देंगे? हाँ ऐसे मेथड बनाना पड़ेगा ना, अभी मेथड नहीं बना हुआ। ये रहा कहा गया लॉन्च कैमरा। अच्छा यहाँ पर होगा, हाँ इसका नाम रखेंगे पिक फ्रॉम गैलरी। ठीक है, इसके अंदर जो मेथड है वो कौन सा कॉल होगा? सर नाम रखते हैं इमेज में, इमेज में नाम रख दिए। हाँ ना भी रखते गेट पिक फ्रॉम गैलरी। ठीक है, अभी देखना ये मेथड, अभी मैं सबसे पहले हम लोग गूगल पे चेक करते हैं परमिशन फॉर गैलरी एक्सेस। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी परमिशन होती है गैलरी एक्सेस करने की। गैलरी एक्सेस होती है या फिर फाइल मैनेजर एक्सेस होता है? ओके okay, तो ये क्या बोल रहा है कि आप कैमरा एक्सेस कर लो तो गैलरी एक्सेस भी हो जाएगी, है ना? ये परमिशन हम लोगों ने ली है, ये नहीं ना कैमरा, ये परमिशन हम लोगों ने ली है, इसके अलावा शायद कोई परमिशन होती नहीं है। स्टोरेज होती हुई ना, नहीं वो भी ली है, वो भी वैसे गैलरी जो है कैमरे कैमरे की जो एप्लीकेशन है ना उसका एक पार्ट है गैलरी, गैलरी कैमरा एक ही। अच्छा ठीक है, यानी मैंने सारी चीज़ें ली हुई हैं, परमिशंस भी ली हुई हैं, अब यहाँ पर फोकस करो, सब छोड़ दो। असल में काम कहाँ पर हो रहा है? गेट पिक फ्रॉम गैलरी में। ये मैंने मेथड बनाया है एक, इसके अंदर वही चेक करवा ली परमिशंस जो हमेशा चेक करवाओगे। इंटेंट उसके अंदर क्या था? इंटेंट तुम्हारा इमेज कैप्चर है ना, एक्शन अंडरस्कोर इमेज कैप्चर। इसका क्या है? एक्शन अंडरस्कोर पिक, क्योंकि तुम गैलरी से पिक करवाते हो तो ये वाला जो तुम्हारे पास जो एक्शन होता है इसको दो तरह से लिख सकते हो। अगर तुम यहाँ पर लिखोगे इस तरह से लिख सकते हो, और दूसरा होता है इंटेंट, अगर बहुत सारी जगहों पर अलग दिखा हुआ लिखा हुआ भी दिखेगा। कैसे? सेट एक्शन, ठीक है, जो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है ना, तुम अलग न्यू इंटेंट करो और उसके पैरामीटर्स नहीं दो कोई, और इंटेंट डॉट सेट एक्शन भी कर सकते हो, बात एक ही है। लेकिन फिर दो दो लाइनों में क्यों लिखे? अच्छा ये क्या है? इंटेंट डॉट एक्शन पिक मीडिया स्टोरेज, ये पूरा उसका यूआरआई निकल आई, ये कहाँ ले जाएगा मुझे? गैलरी के अंदर। ठीक है, सेट टाइप, टाइप क्या है? इमेज होगी और आगे ऑल टाइप्स, ऐसा नहीं होगा कि पीएनजी लाके दो, जेपेग लाके दो, जिस तरह की इमेजेस पड़े हैं गैलरी में सारे दिखा। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये ऑप्शन देखते हो, जब हम लोग पिक करवा रहे होते हैं इमेज को तो वो पूछता है कि क्रॉप करना है कि नहीं करना, वो आता है पूरा एक नेट सा बना हुआ, वो चीज़ है ये। और आउटपुट एक्स कितना हो, आउटपुट वाई कितना हो, एस्पेक्ट रेशियो कैसा हो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? फोटोशॉप यूज किया है, विथ कम करते हो हाइट खुद बखुद उस हिसाब से सेट हो जाती है, वो चीज़ें। ठीक है, रिटर्न डेटा, जो डेटा रिटर्न करेगा भाई, ये भी ये एक्स्ट्रा है। ये क्यों लगाया है? बहुत सारे मोबाइल्स में प्रॉब्लम करता है, बहुत सारे मोबाइल में नहीं करता, ला देता, तो लगा दे तो बेहतर है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे मैंने 113 क्या दे दिया है, कोड दे दिया है इसका, जो रिक्वेस्ट कोड होता है। अलग अलग तरीके से किया हुआ है दोनों, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक इंटीजर है। ठीक है ना, चाहो तो तुम इस तरह से दे दो, चाहो तो इसको एक अलग वेरिएबल में रखो और उस तरह से पास करो। लेकिन अच्छी बात ये है कि बेटर, जो तुम लोग बोल सकते हो कि बेटर वे ये है, अच्छी तरह से इसको जो सही तरीका है ना पास करने का, वो ये इंटीजर यहाँ पे दिया, फिर नीचे जाओ फिर याद रखो, फिर 113 लिखना पड़ेगा। देखो मैंने लिखा हुआ है ना रिजल्ट कोड में, ये भी स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कर रहा है, ये भी वहीं जाएगा, और कॉल बैक में कौन सा फंक्शन कॉल करेगा? ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। अब वो आएगा तो उसके बाद रिक्वेस्ट कोड पिक्चर नहीं होगा,
पिक्चर रिजल्ट अब आएगा, तो उसके बाद रिक्वेस्ट कोड कौन सा होगा 113। उसके बाद रिजल्ट कोड चेक करवाएंगे कि रिजल्ट ओके जब आता है, जब डेटा सक्सेसफुली वो ले आया है। अगर उसने बैक कर दिया तो रिजल्ट ओके नहीं आता, रिजल्ट कैंसिल्ड आता। ठीक है, देखो यहाँ पर होगा ये रहा। ठीक है, अच्छा यहां से जो भी डेटा क्या है, डेटा इंटेंट है, जो वो लाएगा डेटा किस में लाता है, इंटेंट में लाता है। इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास, ये सिंपल जैसा तुम्हारा इंटेंट होता है ना, वह इंटेंट है। जब गेट एक्स्ट्रास करते हो तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, देखो इसकी टाइप क्या है, बंडल। बंडल एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि तुम्हारे इंटेंट के थ्रू आता है, उसको हम लोग बंडल बोलते हैं। मैंने बंडल में लिया, उसके बाद क्या किया, गेट पार्सेबल। पार्सेबल क्या होता है, फॉर एग्जांपल तुम लोगों को हैश मैप पास करवाना, किसके थ्रू, इंटेंट के थ्रू। तुम चाह रहे हो कि पूरा पूरा हैश मैप दे दो आगे, तो तुम क्या करते हो, पुट पार्सेबल गेट पार्सेबल, क्योंकि ये क्या होगा, ये हैश मैप होगा। ठीक है ना, ये जब पूरा बंडल होगा ये एक हैश मैप आया होगा जिसके अंदर उसका मेटा डेटा भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो मैंने क्या बोला, गेट पार्सेबल डेटा ले लिया। देखो इमेज अब बाइट्स पास नहीं होंगी ना, इमेज पूरा उठ के तो नहीं आता, वो बाइट्स पास करेगा। बाइट्स पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, हो सकता है हैश मैप में आया, हो सकता है एरर लिस्ट में आया। ठीक है, उसकी की क्या थी, डेटा। उस डेटा को मैंने क्या किया है, किसमें ले लिया है, बिट मैप के अंदर। मतलब ये अब पूरा क्या बन जाएगा, ये मुझे रिटर्न कर रहा है इमेज। ठीक है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, इमेज रिटर्न कर रहा है। और उसी इमेज को मैं किसमें लगा सकता हूँ, इमेज में, क्योंकि एक कस्टम इमेज है ना, एक या तो हार्ड कोड तुमने ड्रॉबल में डाला है, तो तुम लोग क्या करोगे उसको ड्रॉबल में आर्ड और ड्रॉबल करके लगा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें सर्वर से इमेज डाउनलोड करवाना है, कहीं से पिक्चर खिंचवानी है, उसके बाद सेट करवाना है, तो तुम्हें ज़रूरी है कि उस इमेज को कन्वर्ट करवाओ बिट मैप में। एक दफा इमेज बिट मैप में आ गया ना, उसके बाद तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, उसको कंप्रेस करवा सकते हो, उसकी टाइप जेपेक से पीएनजी करवा सकते हो, उसका साइज चेंज करवा सकते हो। इस बिट मैप के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। मैंने दूसरा इमेज भी लगाया था ना, उसके अंदर लॉन्च कैमरा ही दिया हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पिक फ्रॉम गैलरी, इसके अंदर आए, सब कुछ सेट हुआ हुआ है, गेट पिक्चर फ्रॉम गैलरी इसमें आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हिट करेगा और कहाँ चला जाएगा, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में। वहाँ पे हम लोग गेट पार्सेबल कर रहे हैं बंडल के थ्रू, और जो पार्सेबल करने के अंदर जो की होती है वो डेटा होती है, ये हमेशा एक जैसी रहती है, फिक्स रहती है गैलरी से जब मंगाओगे। ठीक है, ये चूजर था, ये दो तरीके होते हैं, एक होता है कंटेंट करके भी होता है, लेकिन बेस्ट तरीका ये है, एक होता है कंटेंट, यो एक्शन कंटेंट करके था, वो भी मैंने यूज किया था, लेकिन वो इतना बेहतर नहीं था। वो पता है कि वो सारी पिक्चर्स नहीं ला के दे रहा था, ये सारी पिक्चर वो शायद व्हाट्सएप की नहीं ला रहा था, किसी की एक की ला नहीं रहा था, जबकि एक्शन डॉट पिक ये बिल्कुल आपको ले जाता है गैलरी के अंदर। अब मैं रन करता हूँ। अब तुम लोग ये कर सकते हो ना, एक मुझे एक फाइल बनाना, साइन अप फॉर्म बनाना, उसके अंदर दो ऑप्शन, सारा यूज़र का डेटा स्टोर करवाना और दो ऑप्शन रखना उसके अंदर। ऊपर एक इमेज आ रहा होगा सर्कुलर इमेज भी, वो तुम लोगों को मिल जाएगा, एंड्रॉयड आर्सेनल पे सर्च कर लेना, उसकी की मिल जाएगी। उस पे जब इमेज व्यू पे क्लिक होना तो एक पॉपअप आए, वो पूछे कि कैप्चर इमेज और नीचे लिखा और उसके नीचे चूज फ्रॉम गैलरी, वो गैलरी से चूज करे तब भी उस इमेज व्यू में इमेज सेट हो जाए, हाँ जब वो कैमरे से सेलेक्ट करे जब भी हो जाए उसी इमेज, क्योंकि फिर तो पॉपअप दोगे ना, अभी तो मैं दो इमेज व्यू लगा रहा हूँ, तो उस पर क्लिक करोगे तो पॉपअप आएगा जो कि तुमसे ये चीज़ें दो चीज़ें पूछे, हाँ ठीक है, उससे ये पूछ के और चीज़ें लगवा दूँ ताकि तुम लोगों को इसकी इम्प्लीमेंटेशन पता चल जाए।
अलग डायलॉग चल रहा है यार। दूसरा मैंने लगाया कहाँ है उसका, तो इमेज ही नहीं लगाया दूसरा, वो देख ही नहीं रहा। चलो आपने नाम नहीं सोर्स दिया हुआ तो है वो आपने फाइंड व्यू बाय। अच्छा इसको कहीं अच्छा इसके नीचे लगाना है ना मुझे। एक तो ये है, ये तो मुझे इमेज दिख ही नहीं रहा ना, दोनों एक के ऊपर एक आ रहे हैं। तो अभी इसको मुझे क्या करना है, अलाइन ब्लू कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं इसको, और आईडी दे देते हैं इमेज व्यू। ठीक है, अब अगर इसको तुम डिजाइन में देखोगे ये पता नहीं कल दिखाएगा मुझे इस बार। ठीक है बहरहाल ये आ जाएगा, अब दोनों पे क्लिक होगा। और अच्छा तुम क्या बोल रहे थे कि मैंने शायद वहाँ डिफाइन नहीं किया हुआ, चेक कर लेते हैं। हाँ नहीं किया हुआ, वैसे इसको डिफाइन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वजह पता है क्या, अगर मैंने वहीं दिया हुआ ना इमेज व्यू दिया हुआ कि सेट इमेज बिटमैप किस में करो, इमेज व्यू में, तो वो क्या करेगा क्लिक पे दूसरे वाले इमेज से लेके जाएगा, लेकिन ला के किस में लगाएगा, इमेज व्यू में बराबर। अच्छा, अभी ये हुआ भाई। अच्छा, इमेज व्यू में लगा। अब मैं इसको टू कर देता हूँ, यहाँ पे भी ले लेते हैं टू, और यहाँ पे भी क्या था टू। ठीक है, और जहाँ पे मैंने पिक फ्रॉम गैलरी के अंदर, सॉरी ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर आ गया, ये रहा ये इमेज व्यू किया हुआ है ना, यहाँ पे कर दो इमेज व्यू टू। अब वो दूसरे वाले में लग रहा है, इतना साइज देखते हैं ना, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने इमेज व्यू का साइज, इमेज का साइज बहुत छोटा किया हुआ है, आराम से लग जाएगा। वहाँ पे क्या रखा हुआ था 256x256। तो ये तुम लोगों को बनाना है लाजमी, इसकी प्रैक्टिस करना। ये रियल टाइम परमिशंस कंप्लीट है, इसमें कंप्लीट लेक्चर है इसमें, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। जितने प्लस कर करके तुम जितनी दे सकते हो ना चेक करवानी, प्लस के साथ चेक करवा लो, फिर एरे के अंदर पास होता है कॉमा के साथ, जिस जिसकी परमिशन लेनी है वो पास कर दो वहाँ पर। तो नॉर्मल प्रोजेक्ट में स्प्लैश स्क्रीन भी करवा दो। हाँ देखो ये सारी एक साथ स्प्लैश स्क्रीन पर नहीं करवा दो, हर बंदा अगर प्रोफाइल क्रिएट करता है ना, हाँ देखो जो परमिशन तुम्हें स्प्लैश के वक्त चाहिए ना वो करवा लो, क्योंकि पागल हो जाएगा अगर 10 परमिशन तुमने ली हुई है तो अलाओ अलाओ अलाओ। हाँ एक दो है तो ले, शुरू में ले। अब तुमने कभी हैंगआउट यूज करना मोबाइल के अंदर, जब पिक्चर सेंड कर रहे हो उस वक्त पूछता है, इसकी वजह है ना। सब ऐप्स में वैसे ही हो गया, वो सही है ना कि यार नहीं मुझे मैसेज करने, मुझे पिक्चर सेंड नहीं करनी तो मैं उसकी परमिशन क्यों दूं। मैं मैसेज चैट कर रहा हूँ, जब तक मुझे कोई अटैचमेंट नहीं लगानी मैं क्यों स्टोरेज की परमिशन। अच्छा देखो ये आ गया है दूसरा, ये ले आया गैलरी पे, मैंने गैलरी पे पिक्चर सेलेक्ट की, ये आ गया देखो क्रॉप करवा रहा। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो मैंने क्या रखा हुआ था 1:1, ये जितनी हाइट और विड्थ को सेट लेके चल रहा है उसको। ठीक है मैंने डन किया, ये लग गया। और साइज क्या रखा हुआ था, x और y, वो इस हिसाब से उसने सेट करके लगा था, बहुत छोटी लगा उसका साइज बढ़ा दूंगा उसका। कितना कैमरे के साथ वो बिल्ट इन आ रही है, जितनी आ रही है ना इमेज वो पूरी आ रही है, वहाँ पे भी ये सारे चलेंगे। एक्स जो मैंने दिए हुए ना यहाँ पर, जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये वाले पैरामीटर सारे वहाँ चलेंगे, क्योंकि गैलरी कैमरा एक ही बात है। ठीक है तो ये सारे पैरामीटर वहाँ पे भी चलेंगे, वहाँ पे भी लगा के चेक करना कि साइज क्या आ रहा है। ठीक है अच्छा सर आपने तो वन दे दिया है, वो